हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्मपिट शेविंग से रिलेटेड वीडियो। और गाइस, जो ये मेरी क्लाइंट हैं, ये कभी भी वैक्सिंग नहीं करवाती क्योंकि इनकी स्किन सेंसिटिव है। और कुछ ये गाँव में रहते हैं, गाँव में कोई भी ऐसा पार्लर नहीं है जो आर्मपिट वैक्सिंग या शेविंग करता हो, तो ये घर पर ही रेज़र का यूज़ कर लेते थे। पर ये मेरे पार्लर में फेशियल करवाने आए हुए थे, तो मैंने इनसे पूछा कि आप वैक्सिंग करवा लो, तो ये बोले नहीं, मैं कभी भी वैक्सिंग नहीं करवाती, मुझे वैक्सिंग से डर भी लगता है और हमारे यहाँ कोई वैक्सिंग करने वाला है भी नहीं। तो मैंने बोला चलो शेविंग करवा लो, तो ये बोले घर पर ही हम कर लेते हैं। तो मैंने कहा आप पार्लर में करवा लो, हम आपकी वीडियो शूट कर लेंगे, उससे हमें भी बेनिफिट हो जाएगा और आपकी शेविंग भी हो जाएगी। तो ये बोले आप वीडियो शूट कर लो, पर मैं अपना फेस विजिबल नहीं करवाऊंगी, मुझे अपना फेस नहीं दिखाना। तो ऐसे में भई, एक क्लाइंट की इच्छा होती है, कोई अपना फेस विजिबल करवाना चाहता है या फेस वीडियो में दिखाना चाहता है या नहीं, हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस टॉपिक पर कमेंट मत किया करें, मैम फेस दिखाओ फेस दिखाओ। अगर कोई हमें वीडियो शूट करने देता है वही बहुत होता है, अगर कोई कहता है कि फेस दिखा दो तो हम फेस वाली भी काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पर हैं, अगर कोई मना करता है तो हम उनकी परमिशन के बिना उनका फेस नहीं दिखा सकते, तो इसके लिए सॉरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर आर्मपिट शेविंग से रिलेटेड, आर्मपिट वैक्सिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो आर्मपिट शेविंग और वैक्सिंग से रिलेटेड शेयर कर रखी हैं, और अदर वैक्सिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। तो प्लीज़ एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करें, काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं वह वीडियो आपके लिए। और गाइज, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और एक छोटा सा बेल बटन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हमने यूज़ की है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम का यूज़ करने से काफ़ी सारा बेनिफिट हो जाता है क्योंकि इससे हेयर्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और स्ट्रेट रेजर का यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपने शेविंग क्रीम का यूज़ करना है, अगर आपके पास शेविंग क्रीम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो कुछ लोग कंडीशनर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो आप ऐसे में पानी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने यूज़ करना ही है। अगर आप खाली सूखे में रेज़र चलाते हैं विदाउट एनी प्रोडक्ट, तो ऐसे में क्लाइंट को बाद में इचिंग होती है, तो आपने इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि क्लाइंट को भी आपने कंफर्टेबल करवा कर ही वर्क करना है। क्योंकि अगर आप क्लाइंट का काम अच्छे से करके देते हैं तो आपका क्लाइंट आपके पास रिपीट आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वहाँ ईजिली हर काम अच्छे तरीके से किया जाता है और इससे क्लाइंट सेटिस्फाइड भी हो जाता है। शेविंग क्रीम लगा दी थी और उसके बाद मेरे को स्ट्रेट रेजर में ब्लेड डालना था, इसलिए थोड़ा सा टाइम ऐसे ही बीत गया। उसके बाद हमने यूज़ किया है एक एप्लीकेटर का। एप्लीकेटर मैंने ब्रश, जो कि ब्रश हम ब्लीच लगाने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे मैं दूसरा ब्रश यूज़ करती हूँ, पर उस टाइम मुझे वह ब्रश मिल नहीं रहा था जो शेविंग क्रीम के साथ मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये ब्रश मिला, तो मैंने इसी से बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन कर दी। आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि बहुत अच्छे तरीके से जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तभी यह प्रोडक्ट वर्क करेगा, यानी कि शेविंग क्रीम वर्क करेगी। उसके बाद आपने स्ट्रेट रेजर में फ्रेश ब्लेड का यूज़ करके शेविंग कर देनी है। और गाइस, आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी का स्ट्रेट रेजर यूज़ करने जा रहे हैं तो आप उसमें एक फ्रेश ब्लेड यूज़ करेंगे, और उस ब्लेड को यूज़ करने के बाद आपने थ्रो कर देना है, किसी अदर पर्सन पर आप उस ब्लेड का यूज़ नहीं करेंगे। पूरे प्रिकॉशन से आपने स्ट्रेट रेजर का यूज़ करना है, स्किन को होल्ड करते हुए आपने स्ट्रेट रेजर चलाना है। अगर आपको स्ट्रेट रेजर चलाना आता है तो आप स्ट्रेट रेजर का यूज़ करें, अदरवाइज़ आप सिंपल रेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ईजिली हेयर रिमूव हो जाते हैं। और ब्लेंडिंग का प्रोसीजर ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर आपको लगता है किसी के ओवर हार्ड हेयर्स हैं तो आप एटलीस्ट 5 मिनट एज इट इज़ छोड़ दें, पर मेरे क्लाइंट की स्किन में ज़्यादा हेयर्स इतने हार्ड नहीं थे, तो इसलिए हमने 2 to 3 मिनट छोड़ दिया था। उसके बाद स्ट्रेट रेजर का यूज़ किया था, और रियल साउंड के साथ अब आपके साथ शेयर करते हैं आगे की वीडियो। और गाइज, वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।